पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भाजपा सरकार के द्वारा सवर्णों को 10% आरक्षण देने के बाद भी युवाओं में इसकी खुशी नजर नहीं आ रही। युवाओं ने विरोध जताते हुए मुरादाबाद में इकट्ठा होकर प्रदर्शन किया और रैली निकालकर आरक्षण की जगह मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी की मांग की। मुरादाबाद में यूपीएससी के बैनर तले सैकड़ों छात्र इकट्ठा हुए और जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर पकौड़े तले, जहां एक ओर पूरे देश में सवर्णों के आरक्षण का जश्न मनाया जा रहा है तो वहीं मुरादाबाद में यूपीएससी के हजारों छात्रों ने यूनिवर्सिटी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। जुलूस की शक्ल में इकट्ठा हुए छात्रों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें डिग्री धारक छात्रों ने कलेक्टर परिसर में पकौड़े तले तो वहीं सरकार के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की। ज्ञापन के माध्यम से छात्रों ने मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी और छात्र संघ चुनाव की मांग की है। छात्रों ने जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजकर अपनी मांग रखी है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 10% सवर्ण आरक्षण को लॉलीपॉप बताया तो वहीं योगी मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सरकार पे सरकार बदले जा रही है, हर पिछले 15 साल में 3 सरकारें बदल चुकी है। सभी का एक वादा था कि मुरादाबाद मंडल को एक सरकारी यूनिवर्सिटी दी जाएगी और युवाओं का शोषण करते आए हैं उस यूनिवर्सिटी के नाम पर। हमसे दरिया बिछवाने नारे लगवाने का काम ही किया है और मुरादाबाद मंडल के युवाओं को, छात्र छात्राओं को, जो सरकारी यूनिवर्सिटी की मांग को कही गई थी वो अभी तक पूरी नहीं हो पाई है। चाहे समाजवादी की सरकार हो, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार हो या भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, किसी ने भी अभी तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया है। सभी ने ढकोसलेबाजी की है, सीधी जुमलेबाजी की है और ये सरकार भी पूरी होने वाली है। 2019 में अब चुनाव आने वाला है और अभी तक कोई भी सरकारी यूनिवर्सिटी के ऊपर कोई भी एक संज्ञान नहीं लिया गया है। तो यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए ये आज विरोध प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया है और जल्द से जल्द अगर ये पूर्ण नहीं हुआ तो छात्र उग्र आंदोलन पर उतारू हो जाएंगे। कि जो सरकार यूनिवर्सिटी दे ना सकी वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अगर ये मांग जल्द से जल्द पूरी नहीं हुई तो ये युवा जो अब वैलेट पेपर और ईवीएम मशीन में बटन दबाएगा उससे सरकार बदल के ही यूनिवर्सिटी की मांग पूरी होगी, हमें ऐसा लग रहा है। तो ये बहुत जल्दी पूरा होगा और अगर ये बहरी सरकार अगर हमारी मांगे जल्दी नहीं सुनेंगी तो शहीद आजम भगत सिंह की तरह बहुत जल्द ये धमाके होने स्टार्ट हो जाएंगे इस तरीके के, क्योंकि युवा अब तक सोया हुआ था, वह जाग चुका है, आपके ढकोसलीबाजी में, आपके वहम में नहीं पड़ेगा। 2019 से पहले सवर्णों को 10% आरक्षण दिया है, उसे क्या कहे? ये लॉलीपॉप दिया गया है, यही सरकार थी जो अब तक आरक्षण को खत्म करने के लिए कहती थी कि आरक्षण क्या कहते हैं आय के हिसाब से या निचले कुछ लोग के लिए होना चाहिए, जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, वही सरकार ने अब जातिगत आरक्षण दे दिया है। क्या इससे जो सवर्ण है क्या संतुष्ट होंगे? क्या जो छात्र है वो संतुष्ट होंगे? छात्रों को कहाँ संतुष्टि मिल रही है? छात्रों को नहीं यूनिवर्सिटी मिली है, छात्रों को जितनी भी अभी तक परीक्षाएं हुई है कोई परीक्षा पेपर आउट हो जाता है, किसी परीक्षा को पूर्ण रूप से 2010 के बाद अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है, किसी में रिट डाल दी जाती है। लेखपाल की परीक्षा में 1900 में 14 लाख वैकेंसी है। तो आरक्षण दे के आप तो हमारे साथ खिलवाड़ कर रहे हो। जो आरक्षण प्रक्रिया को आपने कहा था उस तरीके से क्यों नहीं किया गया? केवल ये तो ये चुनावी मुद्दा बनाने के लिए, राम मंदिर मुद्दा दुबकाने के लिए ये सवर्णों को अब आरक्षण दे दिया गया है। तो ये तो सरकार को जुमलेबाजी है कि युवाओं को भटकाया जा रहा है और छात्र राजनीति को खत्म करके छात्रों के जो आवाज़ बंद की गई है वो सिर्फ इसलिए की गई है कि इन नेताओं के सामने छात्र नेता खड़े ना हो जाएं, कहीं इनको हम युवा शक्ति दिखाना दें कि हाँ हम भी अभी जिंदा हैं, युवा सोया हुआ नहीं है। भारत में सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो युवाओं की है।